नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की बड़े बेटे और शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी में होनी है, जिसको लेकर पूरा परिवार देहरादून पहुंच चुका है। आनंद मोहन के परिवार में खुशी की लहर है, जहाँ इसके पहले आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी हुई, तो वहीं अब बारी चेतन आनंद की है, जिनकी शादी की रस्में 24 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सगाई की रस्म हुई, जो पटना के विश्वनाथ फार्म हाउस में हुई, और तालाब में पानी के बीचों बीच चेतन आनंद ने अपनी होने वाली वाइफ को रिंग पहनाया और सगाई के रस्म की अदायगी की। इसके बाद बात तिलक के कार्यक्रम की जाए, तो रविवार को शिवहर में तिलक का कार्यक्रम रखा गया, जो कि एक निजी कार्यक्रम था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब बात शादी की है, तो आज शादी का दिन है, तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। चेतन आनंद की शादी को होनी है, और इसके पहले हम आपको हल्दी और मेहंदी की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, चेतन आनंद और उनकी होने वाली पत्नी हल्दी और मेहंदी में एक साथ नजर आए, जहां पूरा परिवार बेहद उत्साहित और खुश नजर आया। सबने एक साथ आकर तस्वीरें खिंचवाई और इन पलों को साझा किया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हल्दी की रस्म अदायगी हो रही है, जहां चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। दोनों ने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और हल्दी का रस्म हो रहा है, जिसके बाद मेहंदी के रस्म को लेकर भी दोनों की तस्वीरें सामने आई है, और चेतन आनंद की पत्नी ने बेहद ही खूबसूरत सी मेहंदी भी लगवाई है। चेतन आनंद के परिवार में सालों बाद खुशियां वापस लौटी है, जहां एक के बाद एक अच्छी चीज़ें ही उनके परिवार में होती चली जा रही है। सबसे पहले जी कृष्णैया हत्याकांड को लेकर आनंद मोहन की रिहाई की मांग, जो कि इतने सालों से परिवार के द्वारा, समर्थकों और चाहने वालों के द्वारा की जा रही थी, वो मांग पूरी हो चुकी है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल के सहरसा जेल से रिहाई हो चुकी है। इसके ठीक पहले आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी फरवरी महीने में हुई थी, जो कि पटना के विश्वनाथ फार्म हाउस में ही संपन्न कराई गई थी। और अब बारी चेतन आनंद की है, जहां चेतन आनंद को लेकर पूरे परिवार में एक अलग ही दिलचस्पी है, एक अलग ही खुशनुमा माहौल है। और हल्दी और मेहंदी की ये तस्वीरें बेहद मनमोहक है, जहां ये साफ पता चल रहा है कि पूरा परिवार एकजुट हो चुका है, सभी ने खुशियां मनानी शुरू कर दी है। शादी की एक के बाद एक रस्में की जा रही है, जिसके बाद आज यानी कि 3 अप्रैल को चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ परिणय सूत्रों में बंध जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है, न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।